नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसी हैं आप सब? तो मैंने बताया था कि हम बेंगलोर से कोल्लम पहुंच चुके हैं, अब घर की ओर हम निकल पड़े हैं। मेरे देवर आए थे हमें लेने के लिए, तो सुबह के कुछ नज़ारे जो हैं 7:30 बजे के केरला का कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए, हम वैसे पूरे रास्ते का मैंने वीडियो तो नहीं निकाला। देखिए, हम अपने एरिया पहुँच गए हैं कईदकोड़, और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, एक एरिया पूरा जो है पूरे ही मेरे ससुराल वाले रहते हैं। वहाँ पर मेरे हस्बैंड के कज़न्स, उनके चाचा, सभी ये हमारे ही लोग हैं, हमारे अपनों का ही घर है ये सारा। तो देखते देखते हम भी पहुँच रहे हैं अपने घर। तो हमारी बड़ी दीदी आई हुई है, क्योंकि हम शादी के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। हस्बैंड के कज़न के बेटे की शादी थी, तो उसी के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। तो देखिए, हम अपने घर पहुँच चुके हैं। ये लीजिए, आ गया हमारा घर। वैसे अभी घर पे मेरे सास ससुर तो हैं नहीं, गुजर चुके हैं। मेरे देवर और देवरानी ही अकेले रहते हैं। उनकी बेटी भी कनाडा जा चुकी है, और बेटा जो है ट्रिवांड्रम में कुछ ट्रेनिंग कर रहा है। और दीदी की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो देखिए हमारा घर। और हमारे आने के बाद फिर हमने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। तो दीदी और जीजा बैठे हुए हैं। दीदी वैसे कटपना बोलते हैं ना, इडकी ज़िले में रहती है। उनके बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं, और उसके बाद शाम को हम अपने शादी वाले घर, अपने कज़न के घर गए थे। तो ये जो हस्बैंड के कज़न है, ये भी हमारे घर के पास पोर्टब्लर में हमारे घर के पास ही रहते थे। ये देखिए, पोर्टब्लर से भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार हैं। तो सभी आपस में मिलजुल रहे हैं। ये रहे हमारे दूल्हे राजा। ये मेरे बच्चों के साथ ही पले बड़े हैं, आपस में साथ ही खेले कूदे हैं। तो ये रहे उनकी शादी की कुछ तस्वीरें। और यहाँ पर भी पूरे, जब हम बैठे थे ना लंच के लिए, तो शादी में तो सभी परिवार वाले ही मुझको दिख रहे थे, क्योंकि सभी जो रिश्तेदार थे सभी साथ बैठे थे, सभी मिल रहे थे एक दूसरे से, और सभी आपस में अगल बगल ही बैठे हुए थे। देखिए, पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं ये। तो उसके बाद दीदी शादी के 2 दिन बाद दीदी वापस जा रही थी, तो उस दिन की कुछ तस्वीरें हैं। तो आप सबों का दिल से शुक्रिया।